नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। सिंधौड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला सिमरन लाल ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके भाई सोनू सिंह पर उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का आरोप है। शिकायत के अनुसार आपसी झगड़े के बाद मनप्रीत अपने मायके चली गई थी, लेकिन समझौते के बाद वापस लौटी। शाम को मनप्रीत के पिता और भाई सहित कई लोगों ने पार्क के पास सोनू सिंह पर जानलेवा हमला किया। सिमरन लाल ने बताया कि जब उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी वार किया। किसी तरह उन्होंने अपने भाई को गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। इस हिंसक घटना के बाद सिमरन लाल ने पुलिस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सिमरन लाल ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि मनप्रीत कौर के परिवार से उनके भाई और पूरे परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। सोनू कहाँ रहते हैं? सिद्धौड़ा कहाँ पे? 10 नंबर बस्ती कृष्णा। क्या हुआ आज? कल क्या हुआ था? कल यही हुआ था, देखिए मेरा पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपनी माँ घर चल गई। पत्नी का नाम? मनप्रीत कौर। फिर उसके बाद हम उसको समझौता करने के लिए, अपने बच्चा लोगों से मिलाने के लिए उसको लेके आए थे। जब हम उसको लेके आए तो उसकी माँ फोन कर रही थी मेरी सिस्टर को, उसको पहुंचा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया कि उसको जहाँ से लाया वहीं पहुंचा दो। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हाँ ठीक है, उसको पहुंचा दो, हम बच्चा लोगों को मिला देंगे उससे, उसको पहुंचा दो। तो तब तक जब तक बैठे थे पार्क में बातें कर रहे थे, तब तक आया 3-4 टेम्पू आया भर के, मेरे को कुल्हाड़ी से वार किया है, मेरा हाथ में चोट लगा है। कौन लोग आया था? मेरा सास ससुर और अनगिनती का आदमी था। कहे मारा? कहे मारा? अब मैं नहीं पता कि मारा किस लिए। हम तो भेजे रहे थे उसका बेटी को, हम भेजे रहे थे, घर भेज रहे थे, लेकिन आते साथ मेरे ऊपर वार कर दिया। मेरा सास ससुर था और अनगिनती का आदमी, मतलब बहुत सारा आदमी लोग, और उस जगह में हम अकेले थे। मेरी सिस्टर लोग बचाने आए तो लोगों को भी ऊपर वार किया, लेकिन उन लोगों को चोट वोट इधर उधर कहीं नहीं लगा। कब शादी हुआ था? शादी मेरा 11 साल हुआ। मारपीट का वजह यही है कि हम अपना पत्नी को रखना चाहते हैं और मेरी सास जो है वो नहीं रखने देती। पत्नी क्या बोल रही है आपसे? पत्नी भी बोल रही है कि हम रहेंगे, पर मेरी सास बोलती है कि नहीं रहने देंगे। पत्नी कहाँ है? पत्नी मेरे अपना मायके में हूँ। अब ये नहीं पता उसको क्या दिक्कत है। मेरी सास भी दो शादी की है, जवान बच्चा लोगों को दूसरा आदमी का साथ में। फिर उसके बाद में जब लोगों अकेले रहता था, उसका बच्चा लोग, उसका पिताजी अकेले रहता था, मेरा जो पहला ससुर था, उसका बाद में हम लोग लव मैरिज किया, हम लोग का शादी लव मैरिज, उसका बीच में तो कभी नहीं आए। 3 बच्चा हो गया 11 साल का बीच में, उसका बाद में कभी नहीं आए। मिलने जुलने के बाद से मिलने जुलने भी हम उसको मना नहीं करते थे कि मिलो जुलो। कहा? अभी तक तो मेरे को कुछ पता नहीं है, हम तो इतना घायल स्थिति में थे तो हमको तो यही कल से रखा हुआ है। सिस्टर लोग गई थी, लिखा पड़ी थी वहाँ पे। अभी क्या चाह रहे आप? अभी हम चाह रहे हैं कि मेरा पत्नी को रखना चाह रहे हैं हम, और कुछ नहीं चाहते, ना ही हम किसी से लड़ाई झगड़ा चाहते। जैसे अपना बेटी को लेके गई है उसे मेरा पास हैंड ओवर कर। क्या करते आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर। बड़ा गाड़ी? हाँ, पर अभी नहीं चला। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।